एसके ठाकुर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, एसके ठाकुर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं एसके ठाकुर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, एयरटेल के साथ आधार को किस तरह से लिंक किया जाता है इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले तो आप मित्रा ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक लापू नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा। लापू नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे एक नीचे एक पासवर्ड आ जाएगा ओपन, वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड देके लॉगिन करना है। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिंक और आधार पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो रिटेलर होता है उसका थंब देके, यहाँ पे जो थंब का सिग्नल दिया गया है आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये रिटेलर एप्लीकेशन सक्सेसफुल बोलेगा। इसके बाद आपको जो कस्टमर है उसी का एयरटेल मोबाइल नंबर इसको यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके पास एक मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। उसी ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। जब यहाँ पे आपको एंटर करके उसका ओटीपी एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक नया इंटरफेस को ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वो कस्टमर का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको फिर उसी का एक थंब लेना है और यहाँ पे जो थंब आइकॉन दिया गया है आपको इसको एक बार क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका ये ग्रीन वाला हो जाएगा और इसका एक पास दिखाएगा, ठीक है। तो आपको इसका जो पता, जो इसका एड्रेस है, वो उसका डाटा सब यहाँ पे आ जाएगा, उसका फोटो वगैरह, ठीक है। तो फिर आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है और ओपन बैंक अकाउंट पे आपको ऑन क्लिक करना है और यहाँ पे जो नीचे दिया गया दो डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद उसी तरह से फिर उसका कस्टमर का आपको एक बार फिर फॉर्म लेना है, उसी फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हो जाने के बाद ये कस्टमर एप्लीकेशन डन बोल रहा है, तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको ये एक कंग्रेचुलेशन का एक नंबर देगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आधार के साथ एयरटेल को लिंक किया जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय जगन्नाथ।